बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे बहुत ही प्यारी बातें शेयर करने जा रहा हूं। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। 1950 से 1999 में पैदा होने वाले हम खुशनसीब लोग हैं, क्योंकि हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने मिट्टी के बने घरों में बैठकर परियों की कहानियां सुनी। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने मोहल्ले की लड़कियों के साथ भी खेला, झूले भी झूले और इनकी गुड़ियों की शादियों में शिरकत भी की। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने बत्ती की रोशनी में कहानियां भी पढ़ी, जिन्होंने अपने प्यारों के लिए अपने एहसासात को ख़त में लिख कर भेजा। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने टाटों पर बैठकर पढ़ा, बल्कि घर से बोरी तोड़ा लेकर स्कूल जाते और इस पर बैठते। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने बचपन में मोहल्ले की छतों पे अपने दोस्तों के साथ रवायती खेल खेले, बारिश में मोहल्ले के दोस्तों के साथ सड़कों पर क्रिकेट खेली, बसंत के मौसम में पतंगे उड़ाई, लट्टू भी चलाए, गुल्ली डंडा भी खेला, पिट्ठू गरम भी खेला और अपने वालदैन बहन भाई और रिश्तेदारों के साथ कैरम लड्डू भी खेला। हमारे जैसा तो कोई भी नहीं। कभी वो भी ज़माने थे, सब साथ छत पर सोते थे, ईंटों पर पानी का छिड़काव होता था, एक स्टैंड वाला पंखा भी छत पर होता था। लड़ना झगड़ना सबका इस बात पर होता था कि पंखे के सामने किसकी मंजीने होना था। सूरज के निकलते ही सबकी आंख खुलती थी ढीठ बनकर, फिर भी सब ही सोए रहते थे। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने तख्ती लिखने की स्याही गाड़ी की, जिन्होंने स्कूल की घंटी बजाने को एजाज़ समझा। हम वो खुशनसीब लोग हैं जिन्होंने रिश्तों की असल मिठास देखी। हमारे जैसा तो कोई भी नहीं। हम वो लोग हैं जो रात को चारपाई घर से ले जाकर खुली फ़जा ज़मीनों में सोए, दिन को सब मोहल्ले वाले गर्मियों में एक दरख्त के नीचे बैठकर गप्पे लगाते। हम वो आखिरी लोग हैं जो गले में मफलर लटका कर ख़ुद को बाबू समझते थे। हम वो दिलफरेब लोग हैं जिन्होंने शबनम और दीम की नाकाम मोहब्बत पे आंसू बहाए और अंकल सरगम को देखकर खुश हुए। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने टीवी के एंटीने ठीक किए, फिल्म देखने के लिए हफ्ता भर इंतज़ार करते थे। वो आधी रात को कभी बारिश जो आती थी, फिर अगले दिन भी मंजी गीली ही रहती थी। वो छत पर सोने के सब दौर ही बीत गए, मंजियाँ भी टूट गईं, रिश्ते भी छूट गए। बहुत खूबसूरत खालस रिश्तों का दौर, लोग कम पढ़े लिखे और मुखलस होते थे। अब ज़माना पढ़ लिख गया तो बेमुरव्वत मफादात और ख़ुदगर्जी में खो गया। क्या ज़बरदस्त पढ़ा लिखा मगर दरअसल जाहिल ज़माना आ गया। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी वीडियो आपको, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।